कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 7 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें जिले भर के लोग स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जब स्वास्थ्य शिविर पहुंचे लोगों से पूछा गया तो कुछ ने अच्छा बताया तो कुछ ने केवल अपने आप को ठगा हुआ महसूस बताया कि वो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोग दूर दराज से किराया लगाकर रीवा आ रहे हैं और उन्हें उनके मुताबिक जांच या फिर उपचार, या फिर यह कहें कि जो लोग सोच कर आए थे कि उन्हें उस तरह का लाभ मिलेगा जिस तरह वह सोचे हैं, वह यहाँ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी रिपोर्ट देखकर संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए कह दिया गया। लोगों का कहना है कि जब संजय गांधी अस्पताल में ही भर्ती करवाना था तो फिर यह स्वास्थ्य शिविर किस लिए है। साथ ही कुछ लोगों को कहा गया कि बाहर से जांच करवा के आइए। उस पर भी लोगों का मानना है कि जब बाहर से जांच करवाना तो फिर इसमें स्वास्थ्य शिविर में किस योजना का, किस चीज का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गंभीर मर्ज के लक्षण के जांच का शिविर है, जिसमें गंभीर बीमारी के लक्षणों की जांच की जा रही है और अवगत कराया जा रहा है कि किसको क्या बीमारी है, जिसका इलाज या तो संजय गांधी अस्पताल में या फिर सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क किया जाएगा। आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने पहुंचे लोगों ने क्या बताया है। विराट 24 न्यूज के लिए रीवा से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मीनू सिंह नाम मेरा। क्या हो गया आपको? ये चोट लग गया थी, एक्सीडेंट हो गया था। दवाई दिए हैं? हाँ, दवाई दिए हैं। सर में चोट लगी थी, यहाँ सर पे चोट लगी थी, यहाँ पे हाथ में, तो यहाँ कंधा में ज्यादा था। अभी बुलाने को नहीं बोले हैं, मतलब दवा वा दिए हैं। कितने दिन की दवा दिए हैं? अब दिए हैं 3-4 दिन के लिए दिए हैं। इसके बाद होगा, यही तो बोले हैं बस, और कुछ नहीं बोले। क्या नाम है आपका? सूर्यवती। सूर्यवती, क्या दिखलाने आई थी आप? सिर में दर्द है था, 5 साल से रहता है। तो क्या किए, देखे? देखे हैं। क्या बोले? बोले कि वहाँ संजय गांधी में आप जाओ, कुछ दवा दिए हैं टेम्परेली जो थी, और बोले कि आप वहाँ संजय गांधी में बड़ी बड़ी जाँचें होंगी, यहाँ मशीनें नहीं है इस चीज की, MRI वगैरह। कैसी व्यवस्था है यहाँ की? हो गया जो है ठीक है, बात नहीं है। आ? कुछ खास नहीं है, परेशान कर रहे हैं। हो गया ठीक है, मतलब आप दवाई वाई कुछ नहीं है? है, दवाई दिए हैं, संजय गांधी भेजे हैं, जो दवाई थी वो दिए हैं, दवा भी दिए हैं और जांच भी किए हैं, शुगर BP वगैरह ये जो होती है। तो लास्ट में संजय गांधी बोल दिए, बोले कि जाँच यहाँ मशीन वो नहीं है, MRI वगैरह। सीता सिंह। सीता सिंह, आपने मर्ज दिखाया, क्या बोले डॉक्टर साहब? मैं दिखाई थी जो, तो बोले रिपोर्ट देखे, बोले ठीक है, सब सब ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम कब बुलाएं, कहाँ बुलाएं? कहीं नहीं बुलाए हैं। बुलाए नहीं? दवा वबा नहीं दी? कुछ नहीं। तो फिर जांच कुछ हुई? कुछ नहीं, जब सब पुराना रिपोर्ट देखे जो था, बोले सब सही है। सब सही है, में और पैर में दिक्कत रहती है तो हो गया, देखे हैं और 2-3 गोली दवाई दे दिए हैं और बोले हैं कि संजय गांधी में आइएगा, आपका ऑपरेशन होगा और कुछ नहीं। सभी संजय गांधी के हैं? हाँ, संजय गांधी में बुलाए हैं और कुछ नहीं किए, 2-3 गोली दे दिए, हो गया, कोई ढंग से देख तो रहे नहीं है, कुछ नहीं देख रहे ढंग के। हाँ, सर इसमें लिखे CT स्कैन के लिए, तो जब हमको बाहर ही करवाना होगा तो फिर यहाँ किस लिए कैंप लगाया गया है? बुलाए यहाँ और देख नहीं रहे? नहीं, बोले बाहर से जांच करवाओ, तो जब बाहर ही करवाना है तो हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? जी सर, कहाँ से आए आप? सर ये इटाउरा से, इटाउरा टिकुरी। जी सर। जी सर, प्रियंका साकेत। सरोज बटी द्विवेदी। हाँ देखी। हाँ, कहाँ बोली? हाँ तो दूध उठे गोली तो दी नहीं, अब का देखी? हाँ, गोली नहीं दी। हाँ,
नहीं को जांच पड़ताल कुछ नहीं करा। हम सही बात बोली लगी, कुछ नहीं करे यहाँ। हाँ हाँ बोला संजय गांधी। हाँ यहाँ कहा नहीं हुई यहाँ कहा था कि यह देखता ही नहीं आई। वह कहीं पीछे कहीं बताए रहे क्या दू दू से गोली दी इतने पास ही मुझे क्यों क्या मैंने ले ले आप हम रेरुआ नर रहा से आने उधर ही दूर से किराया लगाया कि हाँ हाँ परेशान रहे। हाँ क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंगनाथ मिश्रा है। आपने भी दिखाया यहाँ? हमने दिखाया, हमारा पैर में गुठुआ में दर्द था, एक्सरे हुआ, दवाई मिली, कायदे से जांच हुआ। धन्यवाद सरकार को, इसी प्रकार के हर जगह होता रहे। हमारे मनगवा भी सरकार भेज दे तो वहाँ भी हो जाए, बहुत मरीज हैं। क्या दिखाने आए थे आप? चर्म रोग था, उसी को अपना देखे, दवा ववा लिख दिए। व्यवस्थाएँ अच्छी है, व्यवस्था जाने का रहने का सब। हाँ दवा ववा लिख दिए हैं कि नहीं नहीं दोबारा मुलाए नहीं है। अब कहें कि आपका आराम हो जाएगा। जी 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 वहाँ दिखाओ। क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं सर जी दिखाओ, जाओ जल्द आगे दिखाओ, कोई दवाई इलाज कुछ नहीं। भीड़ भाव सब पब्लिक को गिर मर जाते हैं, तर तर पर गिर जाते हैं, तो भी नहीं कोई सुनाई नहीं होता है। नहीं भगा रहे हैं, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ थोड़ा पर्चा दिखे, जाओ आगे जाओ आगे जाओ, फिर आगे जाओ जाओ, बस ऐसे ऐसे होगा। कहाँ से आए आप? हम बिड़वा से आए सर जी। बिड़वा किराया लगा के यहाँ तक आए? किराया लगा सर जी, कोई इलाज नहीं। बिड़वा किराया लगा के कोई इलाज नहीं सर जी। क्या नाम आपका? रामपाल कोल। प्रदीप गौतम। क्या दिखाने आए थे? ये पेट में पथरी साइड में दर्द हो रहा था और पेशाब में भी थोड़ा थोड़ा जलन रहती है, तो यहाँ दिखा रहे थे तो डॉक्टर साहब से बोले कि ये हमने ये रखा है, कुछ जांचें हैं देख लीजिए, कहीं तुम ज़्यादा होशियार हो कि हम जाओ जांच करवा के आओ। बढ़ा दिए? हाँ नहीं लिख तो दिए हैं कि नीचे करवा के आओ जांच। ट्रीटमेंट के लिए हम नहीं कह सकते कर रहे हैं कि नहीं, पर बात करने का लहजा। हाँ डांट के बोले कि तुम ज़्यादा होशियार हो कि हम चलो बाहर फिर वहाँ से जांच करवा के आओ, तो भी बताओ। रिपोर्ट हमने ली है कल संजय सुपर की है, सुपर स्पेशलिस्ट की। हाँ देखे नहीं ढंग से, देखे नहीं, देख नहीं रहे, देख नहीं रहे हैं, वो भगवा दे। बेटा ये 3 दिवसीय नहीं है, 7 दिवसीय शिविर है जो सुपर स्पेशलिटी कैंप है। ये बेसिकली खांसी बुखार इन चीज़ों के लिए नहीं है, कोई जो लंबी बीमारियाँ होती हैं, जितनी लंबी बीमारियाँ अपने बॉडी में होती हैं आप मान लो, उन सब के लिए एक कैंप है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें है, जिसके टेस्ट वगैरह सब हैं, वो है कैंसर। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें एक पिंक कलर की बस है इनकी, जिसमें मैमोग्राफी होता है। उसकी अभी मशीन अपने यहाँ रीवा में नहीं लगी है, तो ब्रेस्ट कैंसर में काम आता है। तो मैमोग्राफी की उनकी बस लगी हुई है, जो कि एयर कंडीशन बस है, पूरी की पूरी सुविधा मैमोग्राफी की उसी में। ऐसी 4 बसें इनकी है, एक मैमोग्राफी के लिए मैंने बता दिया, दूसरी जो है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो सर्वाइकल कैंसर के टेस्ट रीवा में होते जरूर हैं, पर यहाँ स्पेसिफिकली जांच करके रिपोर्ट वहीं से और बिंदु से ही आएगी उनकी। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मियर और कॉल्पोस्कोपी होता है, उनकी दोनों की मशीनें उस बस में लगी हुई हैं। तीसरी मशीन है ओरल कैंसर के लिए, यानी डेंटल दांत जिनके ख़राब होते हैं, या दांत में कोई ख़राबी है, या किसी तरह का ऐसा लग रहा है कि कैंसर होने की संभावना है, लोग तंबाकू बहुत खाते हैं, तो उनके लिए वो वाली बस है, और डेंटल कैंसर और डेंटल। तीसरी बस का इनॉग्रेशन कल उप मुख्यमंत्री जी ने किया, वो बस है ऑप्थेमोलॉजी बस, है ना, आँख की बस, दिव्य दृष्टि बस। वो सीधे बम्बे से सीधे नई बस बन के यहाँ आई है, उसमें हर तरह की जांच आँख की जितनी होती है, जो कि आपकी चित्रकूट में होती हैं, वो सब उस बस में संभव है। नहीं 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 बेटा, कोई भी असंतुष्टि नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत सारे लोग खांसी बुखार वाले हैं, बुखार के लिए नहीं है ये बैंक, ये कैंप बेसिकली इसलिए लगाया है कि कोई ऐसी बीमारी आदमी को ना हो जिसका डायग्नोसिस यहाँ बन जाए। ये डायग्नोस्टिक कैंप है, स्क्रीनिंग कैंप है। स्क्रीनिंग में लाखों लोगों की स्क्रीनिंग होगा, किसी को कैंसर तो नहीं है, किसी को हार्ट की बीमारी तो नहीं है, किसी के लंग्स ख़राब तो नहीं है, उसका इलाज आगे होगा। ये इलाज के लिए बेसिकली नहीं है, आप ये मान लो कि स्क्रीनिंग है, यहाँ मालूम चल जाएगा आपको क्या बीमारी है, उस बीमारी को मालूम चल के फिर अपन लोग उसको रिफ़र करेंगे, चाहे संजय गांधी में ट्रीटमेंट हो फ्री,
चाहे नहीं होगा तो जिस जो कार्डधारी हैं, जैसे आयुष्मान है ना, ये सब कार्ड जीते हैं या सरकारी कोई भी स्कीम है तो उसमें फ्री में यही हो जाएगा। जिनका यहाँ फ्री में नहीं होता है उनका CSR मद से फ्री में अरविंदो अस्पताल में हो जाएगा। तो किसी का भी अस्पताल में कोई पैसा नहीं लगेगा, यहाँ केवल जाँच की सुविधा है, डायग्नोस जब हो जाएगा, किसी को कैंसर है, किसी को मोतियाबिंद है, किसी को कांच बिंद है, तो उसका ऑपरेशन जिनका यहाँ संभव हो यहाँ हो जाएगा, जिनका नहीं संभव होगा उसको अरविंदो में वो लोग फ्री कर देंगे। तो ये कैंप बेसिकली इसीलिए है ना, और इसमें सभी तरह की बीमारियाँ के लिए है, बस ये सिंपल जो बीमारी के लिए अपन डॉक्टर के पास रोज़ जाते हैं, मर्रा का, खांसी, बुखार, सर्दी, उनके लिए नहीं है, बाकी सब बीमारी। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0779-0630-20, 0691-9146-08।